हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। हैप्पी क्यों हूँ ये रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं सुबह का 7 बज रहा है एंड अभी जो है ना पूरा काला काला बादल छाया हुआ है। 7 बजे के टाइम पर इतना ज़्यादा धूप चढ़ जाता है और यहाँ पर देखिए आप लोग कितना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। एंड इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि 2-4 दिन से थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है रात को, तो सुबह में थोड़ा जो है ना ऐसे ही बादल छाया रहता है। बाकी थोड़ा सुबह में उठते ही पहले पौधों को देख लेता हूँ कि कैसा है क्या नहीं है। ये वाला गुलाब का पौधा जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा मायूस कर रहा है, क्योंकि 2-3 दिन हो गया लेके आया हूँ एंड इसका जो पत्ते हैं ना सब येल्लो पड़ जा रहा है। तो ऐसी हालत में मैं लेके आई थी एंड देखता हूँ कब तक सही होता है। उसके बाद बाकी के पौधों को थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये एक देख सकते हैं आप लोग टमाटर का पौधा है एंड इधर भी एक है कद्दू का पौधा। तो ये सब अपने आप ही बढ़ रहा है, देखता हूँ कब तक ये लोग बड़े होते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो फिर मुझे काट के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि देख रहा हूँ कि जो फूल है ना वो आता है लेकिन फिर सब गिर जाता है। तो इसीलिए इनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये बढ़ेगा या नहीं। एंड थोड़ा सा बस देख लेता हूँ इन लोगों को सुबह में, क्योंकि मतलब बाहर जो है ना चूहा घूमता रहता है और बाकी टाइम जो भी छोटा छोटा पौधा होता है ना सब खा लेते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ कि सब सही है कि नहीं। और ये वाला जो साग देख रहे हो इसको मैं खाया था एंड उसके बाद थोड़ा सा डंडी बच गया था तो मैंने ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया, देखता हूँ कि सही हो रहा है। तो बाकी देखता हूँ कब तक ग्रो होता है। बाकी तो 2 दिन और हूँ यहाँ पे मैं इन लोगों को ख्याल रखने के लिए, फिर तो मैं वेस्ट बंगाल जाने वाली हूँ गाइस। तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा मायके जो है ना वो वेस्ट बंगाल में है और मैं रहती हूँ गुजरात में। तो इसलिए अभी पूजा का टाइम भी आने वाला है तो पूजा का टाइम पे ही जाती हूँ 1 महीने के लिए। लेकिन इस बार जो है ना मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो ये देखिए सुबह जो है ना सबसे पहला काम तो हो चुका है, उसके बाद जो माई को मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ। जो भी वो नया नया कुछ सीखता है ना तो उसको सुबह में वो थोड़ा सा रिपीट कर लेता है, तो इससे क्या होता है उसके बाद जो शाम को ट्यूशन जाता है ना तो फिर नया कुछ सीख के आता है ना फिर से उसको रिपीट करना वरना पड़ता है। तो इसीलिए वो सुबह सुबह पहले जो है ना पहले बता देता है वो क्या सीखा है क्या नहीं है। हम इस बार मार्केट जाएंगे माई के लिए फिर से नया बड़ा वाला नोटबुक लाएंगे, ठीक है? वो नहीं, इसका टेबल लाना है। अच्छा टेबल चाहिए? हाँ। वो दीदी पास है ना वो टेबल, तुमने देखा उसके पास है? हाँ। अच्छा तो माही को पढ़ते पढ़ते मैं जो है ना सुबह का टिफ़िन भी बना लेता हूँ। तो ये जो टिफ़िन बनाते हूँ ना तो नीतीश का लंच के लिए भी हो जाता है एंड साथ ही साथ हमारा सुबह में ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ा जो है ना आलू का सब्जी बनाई थी और साथ में जो है थोड़ा सा पराठा जैसा रोटी बनाई थी। पराठा जैसा रोटी मतलब एक साइड में तेल है और दूसरा साइड जो है सूखा है, तो इसलिए पराठा जैसा रोटी बनाला। तो ये देखिए ये पराठा जैसा रोटी, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं रहता है और ये मतलब ज़्यादा कड़क भी नहीं हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इनको भी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही बनाता हूँ। एंड टिफ़िन में आज तो ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसलिए मैंने जो है ना ये दे रहा हूँ दही। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया है, ज़्यादा 6-6:30 बजे तक उठ जाता हूँ लेकिन आज उठा हूँ 7 बजे, तो इसलिए जो है ना तो थोड़ा सा मैं दही देके एक कटोरा भर दे रहा हूँ। जब भी मैं ऐसे ही सूखा सब्जी थोड़ा सा बनाती हूँ ना तो दही होता है ना तो इनको अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए इनका टिफ़िन भी हो गया है रेडी यहाँ पे, तो दे दूँगी उनको, रेडी होके चला जाएगा और उसके बाद जो है बाकी का काम। तो चलिए आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये देखिएगा इसी एक जो है ना एयर पावर पॉकेट, तो ये वॉशरूम में लगाने से सच में बहुत ज़्यादा खुशबू रहता है। मतलब 15 दिन तक तो बहुत तेज़ वाला खुशबू रहता है, उसके बाद थोड़ा धीमा धीमा पड़ता है। वैसे इसमें लिखा रहता है 30 डेज रहता है, तो सच में 30 डेज ही रहता है लेकिन थोड़ा सा कम होने लग जाता है इसका जो खुशबू है, तो काफ़ी अच्छा है। तो हर बार हम जो है ना अलग अलग स्मेल का लेके आते हैं। पहले हम यूज़ नहीं करते थे, पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वॉशरूम में खिड़की रहता था, लेकिन ये वाला जो घर जब से हमने लिया ना तो यहाँ पे वॉशरूम में खिड़की नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। एंड कोई भी वॉशरूम हो यार मतलब हवा पास करने के लिए तो रखना चाहिए ना, तो ये वाला घर का डिज़ाइन पता नहीं कैसा बनाया था।
तो इसलिए हमें ये ज़रूरत पड़ती है, तब से हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बाकी जो है ये रोल लेके आया था, क्रीम रोल, तो माई को अभी ये खाना है तो इसलिए जो मैं निकल दे रहा हूँ। तो माई को एक्चुअल में खाना तो था, लेकिन उसके बाद जो जब निकला था ना तब वो बाहर चला गया था, तो इसलिए मैंने जो है ना नीतीश को दे दिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्वीट है, मतलब मीठा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है ना मतलब इतना रसीला टाइप का होता है ना, तो खाने में और साथ ही साथ इतना ज़्यादा मतलब खास्ता बोलते हैं ना आप लोग शायद समझ सकते हैं, तो मतलब दांत में देते ही इतना अच्छा कुरकुर कुरकुर सा आवाज़ भी होगा, साथ ही साथ रस भी होगा, तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो ये जो है नीतीश कल लेके आया था, तो मैं अभी निकल रही थी नीतीश और माई के लिए, लेकिन बाद में बेटा जो है ना थोड़ा सा बाहर चला गया, तो इसलिए उसने नहीं खाया था। एंड यहाँ पे नीतीश जो रेडी हो चुका है, एंड जब ऑफिस जाने से पहले जो है ना यहाँ पे मतलब किसिंग सेशन चल रहा है, और क्योंकि नीतीश का दाढ़ी थोड़ा सा बढ़ गया है, एंड इसलिए माई जो है ना थोड़ा सा देख देख के चुमा दे रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा जो है ना दाढ़ी चुभ रहा था, तो इसलिए देख सकते हैं इसका नौटंकी। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा किसिंग सेशन चलता है, उसके बाद जो है नीतीश चला जाता है भाई बोल के, क्योंकि माही जो है ना अभी मतलब ऐसा स्कूल में जाता है कि ज़्यादातर दोस्त नहीं बना पा रहा है, तो इसलिए उसको जो है ना सुबह सुबह थोड़ा सा प्यार ज़्यादा मिल जाता है ना, तो फिर दिन भर के लिए उसको सही रहता है, क्योंकि नीतीश भी चला जाता है। एंड तो बस ऐसे ही उसके बाद नीतीश जब चला जाता है, फिर मैं माही को कुछ खाने को लिए दे रही थी। तो देखिए कल रात का जो है ना थोड़ा सा मतलब सब्जी भी था, एंड अभी सुबह में मैंने फिर से जो है ना चना दाल बनाया, माही को दाल खाना था रोटी के साथ, तो इसलिए मैंने फिर से झटपट उसके लिए दाल बना दिया, और जो आलू का सब्जी है वो मैंने रख दिया दोपहर के लंच के लिए, एंड जो कल का सब्जी था अंडा का वो उसके साथ जो है ना हम दोनों ने रोटी खा लिया। उसके बाद माई को स्कूल देने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आ गए हम स्कूल, और जो है ना माई को जब स्कूल छोड़ने के लिए आती हूँ ना, तो उसको जो है छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा पानी भर के लेके जाती हूँ, यहाँ से गवर्नमेंट का पानी आता है, तो इसलिए जो है तो मेरे हाथ में एक थैला आप लोग देख सकते हैं शायद नोटिस किया होंगे। तो यहाँ पे माही जो है रिया के साथ आती है, और इसी के साथ ही यहाँ पे खेलती है, बाकी जो बच्चे लोग हैं उन लोगों के साथ खेलते ही नहीं है, तो इसलिए इसका जो है ना थोड़ा सा दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि रिया रहती है ना तो उसी के साथ खेलता रहता है। एंड उसके बाद जो है छुट्टी हो चुका है और मैं लेने के लिए भी आ चुका हूँ, तो 2 घंटे का स्कूल रहता है, सोचिए अपन 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। यहाँ पे माही ने थोड़ा सा टिफ़िन खा लिया, ज़्यादातर वो नहीं खाता है स्कूल में जो भी नाश्ता देता है, क्योंकि उसको ज़्यादातर पसंद नहीं रहता है, चावल का कुछ बनता है ना तो उसको मज़ा नहीं आता है, तो लेकिन ज़बरदस्ती करते जब लेट हो जाता हूँ स्कूल में आने के लिए उसको लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा बस दिखाने के लिए ऐसे ही खाता है, तो इसलिए वो अभी हैंड वॉश करके आ चुका है। और अभी जो है हम स्कूल मतलब रेडी हो चुका है माही, देखिए आप लोग जूता भी नहीं पहना है, घर उसको नहीं जाना है खेलना है, एंड अभी जो है ना थोड़ा सा खेलने भी नहीं देते हैं, खाली बिठा के रख देता है, और ये वाला आंगनबाड़ी ना मतलब पढ़ाते भी नहीं है, बस ऐसे ही देखे जाती हूँ ताकि जब उसको प्राइवेट स्कूल में डालूंगा तब ऐसा ना हो कि उसको स्कूल में मज़ा ना आए या फिर उसको दिक्कत आए और हमें भी दिक्कत आए, इसीलिए जो है ना थोड़ा सा आंगनबाड़ी देती हूँ ताकि उसका मन बैठ जाए स्कूल के ऊपर। तो यहाँ पे पहले पहले खेलने देते थे बच्चे लोगों को, लेकिन अभी जो है ना बारिश बारिश होता है या फिर धूप रहता है बहुत ज़्यादा, तो बच्चे को सब बाहर नहीं जाने देते, अंदर ही बिठा के रख देते हैं, तो घर जाते हुए थक जब जाते हैं तब यहाँ पे थोड़ा सा बैठ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं एक थोड़ा सा छोटू सा प्यारा सा एक पेड़ है, तो इसके नीचे ही दोनों मस्ती करते रहते हैं, थोड़ा सा खेलो कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो है फिर घर वापस जाते हैं, क्योंकि घर जाना मतलब फिर खाना खाना और फिर सो जाना है, एंड इसलिए जो है थोड़ा सा बाहर खेलो कर लेता है, उसके बाद घर जाके उसको शिकायत नहीं रहता है, नहीं तो बाहर जाने के लिए फिर रोता रहता है। तो ये देखिए दोनों दौड़ के दौड़ लगाया, और रिया तो दौड़ रही है, और चलिए घर आ गए हम, एंड अभी जो है घर अंदर जाने के लिए चाबी खोलना है, तो माही देखिए कैसे चाबी खोल रहा है, और ये जो है ना मेरा चुन्नी के साथ बांधा हुआ है तो उसको ही खोलना है घर,
तो घर जब हम आ गए उसके बाद खाना खा के फिर थोड़ा सा सो गए थे। नीतीश जब शाम को आया तो ये देखिए थोड़ा सा नाश्ता लेके आया था, यहाँ पे फोफी है और ये समोसा और थोड़ा सा आलू। तो फोफी को जो है ना आलू ऐसे ही अंदर डाल देते हैं और उसके बाद खाते हैं, तो काफ़ी मज़ेदार है। तो फिर उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा बाहर निकले थे, मुझे किचन का कुछ सामान चाहिए था, तो कुछ सामान नहीं मतलब ये वाला जो रैक है ना यही चाहिए, बासन रखने वाला रैक ये मेरा नहीं था। काफ़ी टाइम से मैं बोल बोल के इनको अब जाके माना है कि हाँ चलो मुझे मिल गया दुकान, तो वहीं पे जाते हैं। तो ये वाला जो जगह है ना, इस जगह का नाम है आश्रय। तो ये जगह पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेन एकदम से देखने लग जाता है, और माही जो है ना हमेशा ट्रेन देखते रहता है क्योंकि उसको मामू बाड़ी जाना है, और हमेशा सोचता है कि ये वाला ट्रेन आ गया है तो फिर मामू बाड़ी क्यों नहीं जा रहे हैं। तो फिर इसको समझाता हूँ ये वाला ट्रेन हमारा नहीं है, जब ट्रेन दूसरा आएगा तब हम जाएंगे, तो इसलिए वो खाली दिखा रहा है। जब तक हम थे ना यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकना पड़ा क्योंकि जो सेट दिखाया पहले वो तो एकदम से मतलब पूरा सेट क्या हुआ था, तो हमें वो नहीं चाहिए था क्योंकि लेके जाने में दिक्कत है। तो हमने बोला उसको आप निकाल दीजिए फिर हम लेके जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि तो फिर ठीक है दूसरा लेके आते हैं। तो ऐसा करते करते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था यहाँ पर दुकान में, और उसके बाद जो है सब मतलब घर आते आते कम से कम 7:30-8 बजे तक बज गया था। और पहले जो मैंने बोला कि आप लोग ये कर दीजिए उसके बाद दूसरा काम, तो माई थोड़ा हेल्प कर रहा है अपने पापा को इसको सेट करने के लिए। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना।